हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च मीट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम सेंट्रीफ्यूज का जी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जी फोर्स ऐसा पैरामीटर है जिस जो कांस्टेंट है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि आरपीएम में बहुत बार सेंट्रीफ्यूज का मेजरमेंट लिया जाता है और बताया जाता है, पर जी फोर्स जो ऐसा है कि रिव्यूअर, जैसे आप पब्लिकेशन करते हैं तो रिव्यूअर जी फोर्स का पैरामीटर्स मांगते हैं। क्यों? क्योंकि जी फोर्स रिप्रोड्यूसिबल पैरामीटर है। किसी भी मशीन का आप जैसे जी फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जी फोर्स जो है रिप्रोड्यूसिबल है, आप उस सेम रिजल्ट निकाल सकते हैं एक ही जी फोर्स पे। बल्कि आरपीएम का जो है दो इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस की वजह से नहीं कर सकते, क्योंकि शाफ्ट का जो डिफरेंस आ जाता है वो आरपीएम से वैरी करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक वेबसाइट दी है जो जी फोर्स आरसीएम टू आरसीएम कैलकुलेट करती है। तो ये वेबसाइट का मैं लिंक आपको बाद में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या बाद में मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि कहाँ ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक आरसीएफ का फॉर्मूला दिया हुआ है, आरसीएफ इज इक्वल टू आरपीएम स्क्वायर इंटू 1.118 इंटू 10^-5 इंटू आर। तो ये जी फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। और यहाँ पर ये आपको पैरामीटर्स दिए हैं जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है, किसी भी सेंट्रीफ्यूज का जो है, एक सेंट्रीफ्यूज है उसका रेडियस निकालना है। और रेडियस निकालने के लिए आपको क्या क्या है, एक जो सेंट्रीफ्यूज है उसका जो सेंटर पोर्शन है, सेंटर पोर्शन से जो साइड पोर्शन है वहां तक का आपको मेजरमेंट लेना है, यानी रेडियस का। ये मैंने जैसे इंस्ट्रूमेंट इसमें बताया है इमेज में। तो और इसका मेजरमेंट लेके आपको सिर्फ ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें ऐड कर देना है, यहाँ पर जहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे ये रेडियस आरपीएम लिखा है, यहाँ पर आरपीएम आपको लिखना है और रेडियस यहाँ पर डाल देना है जो शाफ्ट का है, और आपका जो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूज आरसीएफ है जी फोर्स वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। और यहाँ पर एक एक इमेज भी है जो आपको साइट पे ही मिलेगी। तो उसमें क्या है कि शाफ्ट है उसका रेडियस आपको एक डिसाइड हो जाना चाहिए, और यहाँ पर जो आरपीएम है आपके पास होना चाहिए, उससे आप यहाँ पर जी फोर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका सैंपल है, आप तो सीरम सेपरेट कर रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट का रेडियस आपको निकालना है और आपके पास आपको आरपीएम पता है। जैसे कि सपोज वो आप 5000 जी फोर्स पे आपको करना है और आपको पता चल गया है, तो यहाँ पर आपको आरपीएम 7500 और आपका जी फोर्स शाफ्ट का रेडियस 8 है, तो आप यहाँ पर इजीली रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट निकाल सकते हैं। हर बार आपका जो सैंपल का रिजल्ट होगा एक जैसा आएगा, तो इसलिए जी फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सब चीज आप इस साइट पर जाके आपको मिल जाएगा, researchsop.com पे। यहाँ पर क्या करना है, आपको ड्रैग करके नीचे जाना है, यहाँ पर रिसोर्सेस फॉर लेबोरेटरी वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, और नीचे आप जैसे ही ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर पे दिया हुआ है कि कैसे आपको यहाँ पर कैलकुलेटर मीन्स एक ऑप्शन दिया हुआ है, वेबसाइट्स फॉर डिफरेंट रिसर्च पर्पसेस, यहाँ पर जी फोर्स कैलकुलेटर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो बताइए कमेंट करके कैसा लगा ये वीडियो।